महंगे पेट्रोल डीजल पर विपक्ष के भारत बंद का दिखने लगा असर। बिहार के दरभंगा में रोक दी फास्ट पैसेंजर ट्रेन। जहानाबाद में ट्रैक पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता, पटरी पर आगजनी। आरा में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड और हाईवे को किया जाम, दुकानें बंद। भुवनेश्वर में भी महंगे पेट्रोल पर बवाल शुरू, रोकी गई ट्रेनें। कर्नाटक के हुबली में सड़क पर प्रदर्शन, टायरों को जलाकर किया रास्ता बंद। अहमदाबाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जबरन बंद कराए स्कूल। कुछ स्कूलों ने पहले ही कर दी थी छुट्टी, कांग्रेस के बंद के चलते एसआरपी की दो कंपनियां तैनात। कोलकाता में लेफ्ट समर्थन सड़क पर महंगे पेट्रोल को लेकर प्रदर्शन। रायपुर में बंद को लेकर हालात सामान्य, प्राइवेट स्कूलों ने कर दी है छुट्टी। बेंगलुरु में कन्नड़ संगठन बंद के समर्थन में जारी है विरोध प्रदर्शन। पुणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं का बवाल, बसों में की तोड़फोड़। बिहार के मोतिहारी में बंद समर्थकों का हंगामा, हाईवे को किया जाम। नवादा में नहीं खुले हैं पेट्रोल पंप, भारत बंद को देखते हुए फैसला। बिहार के बाढ़ में जन अधिकार पार्टी ने बंद कराई ट्रेन, धूम घूम घूम कर बंद कराए जा रहे हैं बाजार। तेल की बढ़ती कीमतों से सुलगी सियासत, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने आज बुलाया है भारत बंद। दिल्ली में जगह जगह लगे हैं बंद के पोस्टर, प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी हो सकती हैं शामिल। बंद को लेकर कांग्रेस का दावा, 21 विपक्षी दलों और कई व्यापार संगठनों का मिला समर्थन। लेफ्ट पार्टियों ने किया बंद का समर्थन, दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। टीएमसी ने बंद से किया किनारा, ममता बनर्जी ने कहा मुद्दे को समर्थन, लेकिन उनकी पार्टी हड़ताल बंद के खिलाफ। तेल पर सियासती गर्मी बढ़ने के साथ कीमतों में नया उछाल, पेट्रोल में 23 पैसे का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगातार 80 रुपए से पार, आज के उछाल के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 73 पैसे। मुंबई में अब 90 के करीब पहुंच रहा है पेट्रोल, आज की कीमत 88 रुपए 12 पैसे। डीजल की कीमत में 22 पैसे का इजाफा, दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 72 रुपए 83 पैसे। मुंबई में 1 लीटर डीजल की कीमत 77 रुपए 32 पैसे, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बढ़ रही है महंगाई। कांग्रेस के बुलाए भारत बंद से आम आदमी पार्टी अलग थलग, दिल्ली सरकार ने नहीं किया छुट्टी का ऐलान। कांग्रेस रहित दूसरे विपक्षी पार्टियों से परहेज नहीं, विरोध प्रदर्शन में हो सकती हैं शामिल। महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कांग्रेस ने बुलाया बंद, शिवसेना अलग, एमएनएस ने दिया समर्थन। बीएसपी ने बंद को लेकर साधी चुप्पी, मायावती की तरफ से जारी नहीं हुआ कोई आधिकारिक बयान। डीएमके ने बंद का दिया साथ, स्टालिन ने कहा कीमतों पर काबू पाने में नाकाम रही सरकार। गुवाहाटी में कांग्रेस ने निकाली थी मशाल रैली, बंद को लेकर लोगों से अपील। वडोदरा में तेल की बड़ी कीमतों पर बवाल, बाइक और टायरों में लगी आग। आज के भारत बंद को चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का समर्थन नहीं, कहा त्योहारों के सीजन में कारोबारियों को बड़ा नुकसान। तेल की सियासत के बीच राजस्थान सरकार का नया खेल, पेट्रोल और डीजल पर वैट 4% कम करने का ऐलान। अशोक गहलोत ने कहा दबाव में आकर राजस्थान सरकार का ऐलान, वैट में 4% की कमी बहस दिखावा। एससी एसटी एक्ट को लेकर बदलाव में बीजेपी सांसद ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, हरिओम पांडे ने कहा क्या एक जाति चलाएगी देश। कानपुर में सवर्ण स्वाभिमान समिति के लोगों ने एससी एसटी एक्ट को लेकर किया बीजेपी सांसद का घेराव, अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। बीजेपी के मंत्री देवेंद्र सिंह भोले ने प्रदर्शनकारियों का मिठाई खिलाकर किया स्वागत, मांगों को बताया जाए। मध्यप्रदेश के मंडला पहुंची शिवराज चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा, देर रात जनसभा को किया संबोधित। इलाहाबाद में यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने थाने में लगाया जनता दरबार, शिकायत सुनकर निपटारे के दिए निर्देश। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र, अजय भारत अटल भाजपा।
एक एक पोलिंग बूथ को मजबूत करने के लिए मोदी ने दी नसीहत, बोले बूथ हमारी चौकी है। बीजेपी कार्यकारिणी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूछा तेल और राफाल पर क्यों चुप हैं मोदी और शाह। शिकागो में दूसरे विश्व हिंदू कांग्रेस में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का भाषण, कुछ लोग हिंदू शब्द को बना रहे हैं अछूत और असहिष्णु। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा, मातृभाषा मातृभूमि और संस्कृति की करें रक्षा, गुरु का स्थान नहीं ले सकता गूगल। इलाहाबाद में लेटे हुए हनुमान के मंदिर में पहुंचा संगम का पानी, शंख आरती से स्वागत। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते संगम के पानी को देखने पहुंचे लोग, शहर के लिए शुभ संकेत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश, धुंध से भरी श्री नैना देवी जी और श्री ज्वालामुखी की पहाड़ियां। मौसम विभाग ने और बारिश का जताया अनुमान, बारिश के बीच श्रद्धालुओं का आना जारी। यूपी के शाहजहांपुर में नदी की कटान की चपेट में आए दो बच्चे, मिट्टी धंसने से डूब गए सैलाब में। मुंबई में एचडीएफसी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट की हत्या मामले में बड़ा खुलासा, कैब ड्राइवर ने ली थी हत्या की सुपारी। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे वीपी सिद्धार्थ सांगवी के दफ्तर के ही एक सहयोगी का हाथ, दफ्तर की पार्किंग में किया था मर्डर। दिल्ली के मोतीबाग में सीवर सफाई के दौरान दर्दनाक हादसा, 5 मजदूरों की मौत। मजदूरों की मौत पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा, 50 लाख के मुआवजे की मांग। यूपी के एटा में 40 किलोमीटर दूर से आई गर्भवती महिला को अस्पताल में नहीं मिला दाखिला, जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद पानी टंकी के पास बेहोश हालत में मिली। पंजाब के मंदसौर में पत्नी और बच्चे को गोली मारने के बाद युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, मां के कैंसर से था परेशान। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में चलती ट्रक में आग, चावल से लदा ट्रक पूरी तरह से स्वाहा। मध्यप्रदेश के भिंड में थाने में बंद आरोपी ने संतरी समेत दो पुलिसकर्मियों पर किया हमला, एक की हालत गंभीर। आरोपी ने खुरपी से पुलिसकर्मी को किया जख्मी, ग्वालियर के अस्पताल में किया गया रेफर। बिहार के किशनगंज में 9 अपराधी गिरफ्तार, आधा दर्जन बाइक और कई मोबाइल बरामद। दिल्ली में नशे में धुत कार सवार ने फुटपाथ पर सो रहे 4 लोगों को कुचला, 2 की मौत 2 घायल। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे टोल प्लाजा पर लूट, व्यापारी से चेन और फोन छीनकर भागे बदमाश। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में कार में मिली एक शख्स की लाश, कार में मिले कार्ड पर लिखा है रेवेन्यू अफसर अनुपम दत्त। महाराष्ट्र के सांगली में शिक्षकों की बैठक में हाथापाई, 2 गुटों के बीच झड़प। बिहार की मधुबनी में बच्चा चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्त में, सीसीटीवी से मिला सुराग। हिमाचल के ऊना में गहरी खाई में गिरी श्रद्धालुओं से भरी बस, 3 की मौत 44 घायल। हिमाचल के कांगड़ा में महिला ने 2 बच्चों को जहर देने के बाद की खुदकुशी, परिवार ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। खुदकुशी करने वाले आईपीएस सुरेंद्र दास का शव लाया गया लखनऊ, भाई ने पत्नी पर लगाया घर से अलग करने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टर के घर की चोरी, जेवरात समेत 42 लाख रुपए चोरी। लुधियाना में टोल प्लाजा पर हंगामा, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। यूपी के अमरोहा में दुल्हन के व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर एतराज, दूल्हे वालों ने बारात लाने से किया इनकार। यूपी के लखीमपुर खीरी में दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस की ट्रेनिंग, एसपी एएसपी सहित कई पुलिस अधिकारी नहीं लोड कर पाए रबर गन। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।